इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेस्ट कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में, जिनको कि आप फिलहाल परचेज कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक चीज के बारे में हमने डिटेल में बात की है, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी माइक्रोवेव ओवन को परचेज करने से पहले। लेकिन अगर आप सही खरीदों पर पहली बार आए तो अपने सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है रीहीटिंग। अगर आप एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन परचेज कर रहे हैं सिर्फ रीहीटिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर आपका काम सिर्फ रीहीटिंग का है तो आपको एक सोलो माइक्रोवेव ओवन की तरफ जाना चाहिए। सोलो माइक्रोवेव ओवन को अगर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। सोलो माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड सभी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं, उनको भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन परचेज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको यही देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आप काफी ज्यादा अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग। माइक्रोवेव ओवन यहाँ पर काफी कन्वीनियंट होते हैं, इजी टू यूज होते हैं और आपका काफी टाइम भी सेव करते हैं। अब यहाँ पर यह बात आती है कि आप एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्या क्या कुक कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। इस चार्ट के अंदर आपको जो भी चीजें दिख रही हैं उन सभी चीजों को आप एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के अंदर हीट कर सकते हैं। अगली चीज यहाँ पर आती है कैपेसिटी। ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता कि आपको कितनी कैपेसिटी वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन परचेज करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। मार्केट के अंदर यहाँ पर आपको 15 लीटर से लेकर 32 लीटर तक माइक्रोवेव ओवन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपकी फैमिली के अंदर 4 से 6 मेंबर्स हैं तो यहाँ पर आपको 25 लीटर से लेकर 30 लीटर तक के कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन की तरफ जाना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा है तो आप इससे ज्यादा कैपेसिटी वाले माइक्रोवेव ओवन की तरफ जा सकते हैं। इन सभी माइक्रोवेव ओवन्स के मैंने लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उनको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड चीज जो कि यहाँ पर एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन को परचेज करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वह है उसकी पावर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको 700 वाट से लेकर 800 वाट तक जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन देखने के लिए मिलते हैं उनकी तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर काफी स्लो काम करते हैं और आपका खाना कुक करने में काफी टाइम लेते हैं। जितनी ज्यादा पावर आपके कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के अंदर होगी वो उतनी ही कन्वीनियंटली आपके फूड को कुक कर पाएगा। एक और चीज जो कि यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखनी है वो है एक माइक्रोवेव ओवन की वारंटी। जितने भी माइक्रोवेव ओवन हम आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उन सभी के अंदर आपको मैक्सिमम वारंटी देखने के लिए मिलती है। इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड तो वो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उन सभी का रिप्लाई हम खुद करेंगे। और फाइनली नंबर 5th बेस्ट कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन हमारी लिस्ट में यहाँ पर आता है व्हर्लपूल की तरफ से, व्हर्लपूल का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। 7 कुकिंग मोड्स और स्टेनलेस स्टील कैविटी भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, और व्हर्लपूल की तरफ से यहाँ पर आपको 300 ऑटो कुक मेन्यूज देखने के लिए मिलते हैं। मल्टी हीट टेक्नोलॉजी और फेदर टच मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। डीफ्रॉस्टिंग और जीरो ऑयल कुक जैसे फीचर्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वारंटी की भी यहाँ पर बात करें तो 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है और 5 ईयर्स की मैग्नेट्रॉन वारंटी। व्हर्लपूल के इस मॉडल की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर 12,000 रुपीज के अप्रॉक्स की है। इसे परचेज करने से पहले यहाँ पर आपको इसके कॉन्स के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। पहला कॉन मेरे को इसके अंदर ये देखने के लिए मिला कि यहाँ पर आपको रोटरी का फंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, और सेकंडली यहाँ पर आपको कोई भी स्टार्टर किट देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आपका बजट 12,000 रुपीज के अप्रॉक्स है और अगर आपको इन कॉन से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अपने नंबर 4th कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के बारे में, जो कि यहाँ पर आता है LG की तरफ से, LG का 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। LG के इस ओवन के अंदर आपको 900 वाट से लेकर 1900 वाट तक की पावर देखने के लिए मिलती है। स्टेनलेस स्टील कैविटी और 215 ऑटो कुक मेन्यूज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस ओवन के अंदर आपको इंटेलो वेव टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और आपके खाने को कन्वीनियंटली कुक कर पाती है। एक और स्पेशल चीज मेरे को यहाँ पर यह लगी कि यहाँ पर आपको फर्मेंटेशन फंक्शन देखने के लिए मिलता है, यानी कि इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप दही भी जमा सकते हैं। इस
माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको क्विक डी फ्रॉस्टिंग भी देखने के लिए मिलती है। एलजी की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है टोटल 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी। और प्राइसिंग की यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर 12,600 रुपीज के अप्रॉक्स की है। परचेज करने से पहले यहाँ पर आपको इसके कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर कोई हाईली मेजर कॉन तो नहीं है, लेकिन एक मेजर कॉन मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिला। पहली बात, इसका जो मैग्नेट्रॉन है उसके ऊपर आपको कोई भी एक्स्ट्रा वारंटी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों का यही कहना है कि इसका मैग्नेट्रॉन 1-2 साल के बाद काफी वीक हो जाता है। अब बात करते हैं अपने नंबर 3rd माइक्रोवेव ओवन के बारे में, जो कि यहाँ पर आता है IFB की तरफ से। IFB का 30 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको 800 वाट से लेकर 2200 वाट तक की पावर देखने के लिए मिलती है। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील कैविटी और 101 ऑटो कुक मेन्यूज देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर भी आपको वही फर्मेंटेशन फंक्शन देखने के लिए मिलता है जो कि LG के अंदर देखने के लिए मिलता था। स्टीम क्लीन और रोटर रिसरी जैसे फंक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको 11 टेम्परेचर देखने के लिए मिलते हैं। वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी देखने के लिए मिलती है, और 3 ईयर्स की कैविटी और मैग्नेट्रॉन वारंटी देखने के लिए मिल जाती है, और 6 ईयर्स की स्पेयर पार्ट वारंटी भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। वर्लपूल के इस मॉडल की फिलहाल प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर 14,400 रुपीज के अप्रोक्स की है। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी हाईली मेजर कॉन नहीं है, लेकिन छोटा सा सजेशन मैं यहाँ पर अगर वर्लपूल को देना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि इसके अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा हीट पावर देखने के लिए मिल जाती तो और अच्छा होता। बात करते हैं यहाँ पर अपने नंबर 2nd कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के बारे में, जो कि यहाँ पर आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको 900 वाट से लेकर 2900 वाट तक की पावर देखने के लिए मिलती है। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको सिरेमिक कैविटी देखने के लिए मिलती है। जितने भी माइक्रोवेव मैंने पीछे डिस्कस किए हैं उन सभी के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील कैविटी देखने के लिए मिलती है, लेकिन सिरेमिक कैविटी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है, जो कि यहाँ पर क्लीनिंग में आपकी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प करती है। ये माइक्रोवेव ओवन 100 ऑटो कुक मेन्यूज और स्लिम फ्राई फीचर के साथ में भी आता है। पावर लेवल सिलेक्शन, टर्न टेबल ऑफ और फर्मेंटेशन फंक्शंस भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सैमसंग की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी और 10 ईयर्स की मैग्नेट्रॉन वारंटी। सबसे ज्यादा स्पेशल मेरे को इसकी प्राइसिंग देखने के लिए मिली। इसकी प्राइसिंग फिलहाल 11,500 रुपीज के अप्रॉक्स की है। इस प्रोडक्ट की तरफ आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा कौन यह है कि यहाँ पर आपको रोट रेसरी का फंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन प्राइसिंग यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। अगर रोट रेसरी का फंक्शन आपके लिए ज्यादा यूजेबल नहीं है तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं, वरना आप हमारे नंबर 1 ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जो कि यहाँ पर आता है LG की तरफ से। LG का 28 लीटर का कन्वेक्शन चारकोल माइक्रोवेव ओवन। इस ओवन के अंदर आपको 900 वाट से लेकर 1950 वाट तक की पावर देखने के लिए मिलती है। 271 ऑटो कुक मेन्यूज और स्टील कैविटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। 360 डिग्री मोटराइज्ड रोटरी सीरीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। और स्पेशल बात यह है कि ये माइक्रोवेव ओवन चारकोल लाइटनिंग हीटर के साथ में आता है। अब चारकोल लाइटनिंग हीटर की स्पेशल चीज यह है कि यहाँ पर आपको टेस्ट भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी काफी कम यूज होती है। रोटरी नॉब कंट्रोल और स्टीम क्लीन जैसे फंक्शंस भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक और स्पेशल फीचर की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि है डाइट फ्राई। इसके अंदर आप काफी कम ऑयल यूज करके अपने फूड को कुक कर पाएंगे, और डीफ्रॉस्ट जैसे फंक्शंस भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। LG की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी और 4 ईयर्स की मैग्नेट्रॉन वारंटी और 10 ईयर्स की चारकोल हीटर वारंटी। फिलहाल इस मॉडल को आप परचेज कर पाएंगे 18,500 रुपीज के अप्रोक्स। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर मेरे को कोई भी मेजर कॉन देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन एक छोटा सा कॉन जो कि यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि ये ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं, आप उनको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सही खरीदो को जरूर सब्सक्राइब करें।